ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वाई बराबर वक्र वाई बराबर 4 साइन एक्स माइनस साइन 2x की x बराबर पाई अपॉन 2 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। ओके, एक बार फिर क्वेश्चन देख रहा हूँ बेटा। y इज इक्वल टू दे रखा है 4 साइन x माइनस साइन 2x की x बराबर पाई अपॉन 4 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। ओके, हल कर रहा हूँ बेटा। मेरे को दिया है y इज इक्वल टू 4 साइन x माइनस साइन 2x एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखते हैं कितना निकलता है। इधर हुआ मेरे पास dy बटे dx, इधर हुआ d ओवर dx 4 साइन x माइनस साइन 2x, आपत्ति नो। आगे चल रहा हूँ, इधर हुआ मेरे पास dy वाई बाई डी एक्स, 4 तो कॉन्स्टेंट है, d ओवर dx ये हुआ मेरे पास साइन x माइनस d ओवर dx साइन 2x, इधर हुआ बेटा dy वाई बाई डी एक्स, 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास कोस एक्स माइनस साइन 2x का मेरे पास होता है कोस 2x, और जिसको x मान रखा है उसका फिर से अवकलन। मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा वो निकला dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 कोस एक्स माइनस कोस 2x इंटू 2। मैं निकाल रहा हूँ dy वाई बाई डी एक्स, किस पर कैलकुलेट करना है भाई, x बराबर पाई अपॉन 2 पर। ओके, यानी x बराबर पाई अपॉन 2 पर कितना निकला मेरे पास, x बराबर पाई अपॉन 2 पर dy वाई बाई डी एक्स 4 इंटू कोस पाई अपॉन 2 माइनस 2 इंटू कोस 2 इंटू पाई अपॉन 2। ओके, मेरे पास निकला डी वाई बाई डी एक्स, किस पर निकल रहा है, एक्स बराबर कितने पर भाई, पाई अपॉन 2 पर इज इक्वल टू 4 इंटू कोस 90। कोस 90 की वैल्यू होती है 0110, कोस 90 की वैल्यू इज 0 माइनस 2 इंटू ये इससे ख़त्म, कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस के 1, अर्थात मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर पाई अपॉन 4 पर कितना निकला, माइनस 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 प्लस के 2, एक रिजल्ट तो आ चुका मेरा ये। आगे देखता हूँ बेटा, पुनः डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 2 कोस 2x से 4 कोस 2x फोर कोस एक्स, 2x नहीं है, गलती से गलत बोल दिया दोनों बारे, 4 कोस एक्स माइनस 2 कोस 2x से, क्लियर है ना।
x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखता हूँ कितना होता है, कितना निकला, इधर हुआ d ओवर dx, ये हुआ dy by dx इज इक्वल टू d ओवर dx 4 cos x माइनस 2 cos 2x, इधर बना d2y ओवर dx स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है, d ओवर dx cos x माइनस के 2 कांस्टेंट है, d ओवर dx cos 2x, ओके मेरे पास निकला d2y ओवर dx स्क्वायर, cos x का होता है माइनस के 4 इंटू sin x, नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलता हूँ, माइनस के 2 इंटू cos 2x का होता है माइनस के sin 2x, और जिसको मैंने x मान रखा है उसका डिफरेंशिएशन होगा 2, मेरे पास निकला d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस के 4 sin x माइनस माइनस प्लस 4 sin 2x, क्लियर है ना, मैं निकाल रहा हूँ x बराबर पाई अपॉन 2 पर, ध्यान से देखना बेटा, ये है मेरा क्वेश्चन, किस पर निकालना है x बराबर पाई अपॉन 2 पर, ओके x बराबर पाई अपॉन 2 पर d2y ओवर dx स्क्वायर x बराबर पाई अपॉन 2 पर, वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये हुई मेरे पास माइनस 4 साइन x की जगह हुआ मेरे पास पाई अपॉन 2 प्लस 4 साइन 2 इंटू x की जगह हुआ पाई अपॉन 2, ओके यानी मेरे पास निकला d2y ओवर dx स्क्वायर x बराबर पाई अपॉन 2 पर, कितना निकला भाई माइनस के 4 साइन पाई अपॉन 2 1 प्लस, ये से कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, ओके मतलब निकला d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकली माइनस के 4, क्लियर है ना, ओके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी यहीं लिख लूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकला, डी वाई बाई डी एक्स निकला हुआ है कितना भाई 2, ओके आगे चलता हूँ, मेरे पास रो जो होता है बेटा, हम जानते हैं रो इज इक्वल टू होता है 1 प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 बटे वाई टू से, ओके ये मेरे पास वाई टू है, ये मेरे पास वाई वन है, कितना निकला रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 बटे वाई टू, वाई टू की वैल्यू निकली मेरे पास माइनस के 4, आगे देख रहा हूँ बेटा कितना आया मेरे पास, रो इज इक्वल टू जो बना हुआ है कितना बना हुआ है भाई, रो इज इक्वल टू आ रहा है 1 प्लस 2 का स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 बटे रूट की वैल्यू माइनस के 4, भाई रो जो है नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि त्रिज्या है, अर्थात इसको धनात्मक लिख सकते हैं 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 की पावर 3 बटे 2 बटे 4, रो इज इक्वल टू कितना निकला 4 और 1 5 की पावर 3 बटे 2 बटे 4, यानी रो इज इक्वल टू 5 की पावर 3 बटे 2 को लिख सकता हूँ 5 अंडर दी रूट 5 बटे 4, ओके और यही मेरा आंसर है,
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियोस जितने भी हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात और भी, मैं बार बार आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, जैम, नेट और गेट, और उसके अलावा जितना भी हायर एजुकेशन का जो मैथमेटिक्स है, जैसे एमसीए हो या फिर एमबीए हो, पॉलिटेक्निक वगैरह हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में टोटल का टोटल आपको मिलने वाला है। आप थोड़ा सा वेट करो, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है। ओके, बाय।